अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद सईद। और मैं हूं जफर। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन क्रिकेट ड्रेसिंग रूम व्लॉग फिट ताने कोहली एंड पांड्या। तो देखते हैं भाई, ड्रेसिंग रूम देखना चाहिए भाई इंडिया का, क्योंकि वहाँ के प्लेयर्स का, क्योंकि वो वैसे तो बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं। तो ड्रेसिंग रूम देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। लो भाई, वेलकम टू आरडी पांड्या व्लॉग। तो गाइस, आज मैं ना काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि भाई जो है ना, वो अपनी खेती छोड़ गया, ड्रेसिंग रूम में आ गए हैं। और अभी विराट भाई ने 100 मार दिए, तो भाई हमारी समझ रहे हो ना, खेल रहा है अपना दोस्त। खेल इधर ना, अरे इधर जल्दी जल्दी इधर इधर इधर, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अरे वो अन्ना के साथ फोन पे था, अन्ना बारातियों को पट्टल में लड्डू देने बर्फी है, वो डिस्कस कर रहे थे। रिकॉर्ड हो गया, व्लॉग चल रहा है, ये राउंड जैसा है। सुन, अभी तेरा फोन निकाल ले, और क्या करना है ना, दोनों भाइयों को मिलके भी व्लॉग बनाना है, ठीक है। माही भाई आए ना, तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये पांड्या कितना, ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं, पर अंदर से ना काला चश्मा रील की आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम, इसका मतलब है कि एशिया कप के स्टार रोहित शर्मा स्विस वाटर ब्लैक वाटर पता नहीं क्या क्या लगा रखा, जिसको तू भी कर। आप रहने दीजिए, तुम लोग श्रीलंका और पाकिस्तान से आ रहे। हाँ, कुछ आरोप खेल ही नहीं थे कब के लिए, तो लोन के लिए खेल रहे थे, लोन के लिए। चीकू था तो कम से कम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचते थे हम लोग। हाँ शास्त्री जी, आप भी थे। अभी तो नॉकआउट में ग्रुप स्टेज में बाहर हो रहे हो तुम लोग, फाइनल कैसे खेलोगे पता नहीं। भाई भैया, अभी भी फाइनल खेल सकते हैं भाई। अगर आज शाम तक एशिया में वॉर हो जाए और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, और चाइना पाकिस्तान को हरा दे, और चाइना को ताइवान हरा दे, हाँ? और पूरे एशिया में सिर्फ इंडिया बचे। ताइवान भी आ गया, अगर मगर इतनी कैलकुलेशन ना, 15 साल बीक मोहन नहीं, बीक मोहन नहीं, वो है भाई नाम भूल गया है, स्पिनर है ना। हाँ स्पिनर ही है वो लड़का भाई, जिसके चैल चैल था भाई, फनी टिकटॉक बहुत बनाता है। हेड जस्ट द कॉल। और पाकिस्तान से कैसे आ रहे तुम लोग, उनके 10 मिनट खेल रहे थे फिर भी आ गए। नहीं भाई, भैया बोले 11 थे यार, तुम्हारी साइड से खेल रहा था ना, चूतिए तो बोली मत, वो आजी साहब बता रहा है, 20 घंटे होटल की लॉबी वेट करेगा ये। पांड्या व्लॉग बना रहा है क्योंकि टिकटॉक बनाता है भाई। माय भैया वो स्टेडियम में वो आई थी ना, कौन आई थी, अरे वो आई थी ना, अरे भाई भाई वो दुबई की क्वीन। ये विराट कोहली है। हाँ भाई वो आई थी, अब मैं उधर शॉट मारता तो उसको लगता है मैं उस पे हिट कर रहा हूँ, तो इसलिए मजबूरी में रिवर्स। तो तू देख मत ना उसको, अपनी तरफ खेलना अपने हिसाब से, उधर मारने के लिए उसके पास मशीन शायद ना मार रहा है, उसके पास वो शॉट है मारने के। क्या भाई, उसमें भी कुछ चल रहा है क्या, लड़की देखने आते गांव में। भाई भाई कोई कोई लड़के देखने भी आता है। कौन वो नसीम का तो मुकर गया, कौन है शास्त्री। मैं लड़की नहीं देख रहा था, एक तो कैमरा में हेड कोच साहब डरता कहीं बॉल थ्रो मार के उसका कैमरा तोड़ दूं। थ्रो मारेगा, ग्लव्स उतार देंगे पहले। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, माय भाई प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। ये खेती छोड़ दिया हूँ, फसल लगी हुई उधर, जमीन खाए आज। अब भाई धोनी है भाई, कहाँ तोड़ेंगे तुम्हारी सबकी। धोनी हर्षदीप सिंह भाजी पूरे 19 रन लगवाए। शर्मा ये भूमि का 1900 बंद कर,
कह छोड़ आज सही पहुंचे है भाई। दो महीने बाद ब्लैक ऑर्डर पिएगा तू रखो इसे कुएं का पानी पिलाओ। कुएं का पानी भाई भाई सीखो तूने हमने बात की तू बोल सब सुनेंगे। मैं क्या ही बताऊं भाई भाई विराट कोहली मैं फॉर्म में आता हूं तो ये लोग हगना चालू कर देते हैं हगना और वो बाबर बोलता है दिस टू शैल पास। उसने मेरी कल की इनिंग देखी है कि नहीं देखी कि नहीं मेरी कल की बैटिंग और अंग्रेजी किसने सिखाई है उसको भाई भाई मैं उनको बोल बोल के थक गया हूँ जो मैं आपको भी बोलता था मुझे ओपनिंग भेजो। आई एम एन ओपनर भाई भाई वर्ल्ड कप में तू ही ओपनिंग करेगा। अबे यार ना ओपनिंग तो मैं जाता हूँ ना रोहित खन्ना के साथ तू यार ना अपना स्ट्राइकर देखे मेरे राहुल तो नहीं कौन सिखा रहे शो खेलना बोल कौन सिखा ये दिव्या नहीं भाई केएल राहुल ओसड़ी के इधर देख ले नीचे क्या देख रहा है मैं इस राहुल से कह रहा हूँ अब तो शादी भी कर रहा है तो फोन में क्यों है मना किया ड्रेसिंग रूम में फोन यूज करने को ना खड़ा होना मैं इधर फोन नहीं चला रहा हूँ मैं सुबह उसको आईफोन 14 दिलाया था उसके बाद से फोन नहीं उठा फोन नहीं उठा रही मुझे पता है कौन नहीं उठा रहा तू बैठ जा। हाँ अय्यर का फोन भी बिजी आ रहा है। अरे यूजी वो दोनों दोस्त दे रहे हैं तू टेंशन मत ले यार पहले पहले मुझे भी लगता था भाई। हाँ आई वांट टू कोहली वहां जाना है अपने को। हाँ भाई भाई कोहली तो ओपनिंग करेगा और तू ग्लव्स टेंस उतार रहा हूँ भाई। हाँ शास्त्री जी अपना कंटिन्यू रखो टॉस हेड टेल। हाँ जी भाई मैं बार बार आऊंगा नहीं ड्रेसिंग रूम में वो भी दुबई चीकू ये फल लाया था मैं खेत से मैं और सबने देख लिया ना भाई भाई ने क्या बोला अच्छे से सुना ना तो चलो ठीक है रील बनाते हैं चल तोड़ दिया भाई बदले से। हाँ जी गए तो वीडियो आप देख रहे थे भाई बहुत इंजॉय करने भाई थे भाई। हाँ ड्रेसिंग रूम में पीछे पीछे भाई क्लास भी लगती है अगर कुछ आप बैड फ्रॉम परफॉर्मेंस करते हैं तो भाई आम चीज़ है कि खुद धोनी साहब जो है ना वो आए हुए थे। धोनी नहीं लग रहा था कि धोनी भाई एम एस धोनी अब उन्होंने रियलिटी में तो नहीं ना आना उन्होंने वीडियो ही बनाई है ना क्यों थ्रो मारी थी। हाँ और ये भी बताया कि बाद में लोग मैसेज कर रहे थे मुझे भाई एम एस धोनी के बाद भाई टीम अधूरी रह गई अधूरी रह गई भाई बहुत अच्छे 11 खिलाड़ी एक साइड वो एक साइड पर बिल्कुल टीम को आगे ले जाने वाला प्लानिंग करने वाला भाई उस वो होता था ना बंदा टीम में तो ऐसे लगता था कि भाई इंडिया विनर है इंडिया विनर है कोई स्टार्ट होनी नहीं थी नहीं, बाकी तो ये लगता था हर टाइम यही होता है लेकिन बस मुस्लिम सेल हो जाते हैं वो कोई नहीं हार जीत साथ होती है लेकिन ये नहीं कि वैसे बोल रहे हैं कि भाई एमएस धोनी की भाई बात कर विराट कोहली साहब जो ना वो दोबारा फॉर्म में आ गए बिल्कुल भाई उन्होंने अभी हैट्रिक बनाया है तो काफी अच्छी बात है वर्ल्ड कप में काफी परफॉर्म करेंगे बिल्कुल आगे में दूसरा आ जाएंगे उनके प्लेयर भी जो एक दो इधर मिस थे क्योंकि यहाँ भी इतना जोर लगा भी नहीं रहे थे एक महीने बाद वर्ल्ड कप है तो हम इस तरह का हिसाब बुमराह के जाने के बाद इनको काफी झटका लगा है ऊपर से जनेजा नहीं बुमराह आएगा ना भाई वर्ल्ड कप में आएगा एमएस धोनी का राइट हैंड है भाई नहीं वो जनेजा आएगा भाई दूसरा उसकी जारी है हो जाएगा बिल्कुल ठीक है लेकिन ड्रेसिंग रूम मैं तो जब लॉग शुरू हुआ था मैंने कहा रियलिटी में उनके ड्रेसिंग रूम दिखाने लगे लेकिन ये ड्रेसिंग रूम ये था कि जिस जगह पर भाई ये आए हुए थे लेकिन ये है कि देखो भाई तैयार तो गाइज वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।